यूथ कांग्रेस के प्रधान वरुण जोशी की गिरफ्तारी लैके आम आदमी पार्टी के आगुआ ने मोगा के एस एस पी का किया घराओ। एम एल ए मीत हेयर की अगवाई हेठ आम आदमी पार्टी के आगुआ ने सरकार वालों जम के की नारेबाजी। मोगा यूथ कांग्रेस के प्रधान वरुण जोशी की गिरफ्तारी लैके आम आदमी पार्टी ने एम एल ए मीत हेयर की अगवाई हेठ मोगा के एस एस पी का घराओ किया और सरकार वालों जम के नारेबाजी की। घराओ संबंधी जानकारी देंद आम आदमी पार्टी के विधायक मीत हेयर ने दसिया कि मोगा जिला यूथ कांग्रेस के प्रधान वरुण जोशी खिलाफ एक ए एन एम ने बलात्कार कर उसनों धमका और उसनों पैसे लैन के दोष लगाए सन, जिस संबंधी उसने मोगा के एस एस पी को शिकायत पत्र दिता सी। पर पुलिस वालों इस मामले ते कार्रवाई ना होने तो बाद उन्हें कोर्ट का दरवाजा खड़काया। हाई कोर्ट ने निहाल सिंह वाला सिविल कोर्ट में कार्रवाई करने कहा तो कोर्ट के हुक्मों तो बाद पुलिस ने 376 का परचा यूथ कांग्रेस के प्रधान वरुण जोशी के खिलाफ दर्ज कर दिता। पर अजे तक जिला प्रधान की गिरफ्तारी नहीं हुई और ना ही बलात्कार डराउन धमकाउन और पैसे बटोरन दी धाराएं परचे में दर्ज की गई हैं, जिसनों लैके आम आदमी पार्टी के सीनियर आगू और मोगा की समुची लीडरशिप को नाल लैके एस एस पी मोगा के दफ्तर का घराव किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस से सियासी दबाव होने करके वरुण जोशी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, इतों तक कि पुलिस ने बनदियां धाराएं भी नहीं लाइया, जिस विच सिर्फ 376 की ही धारा लाई है, जबकि ड्रोन धमकाउन अते पैसे बटोरन अते ब्लैकमेल करने की धारा नहीं लगाई गई। उन्होंने एस एस पी मोगा तो मंग की कि दोषी खिलाफ बनदियां धाराएं का वाधा किया जाए और यूथ कांग्रेस के प्रधान को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि जेकर यूथ कांग्रेस के जिला प्रधान को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो पंजाब पद्धर से संघर्ष विटा जाएगा। पंजाब ग्लोबल लिए मौके तो अमरजीत बाबी के नाल जोगिंदर सिंह की रिपोर्ट। गिरफ्तार करो, बलात्कारी गिरफ्तार करो, पंजाब पुलिस मुर्दाबाद, बलात्कारी बचाने वाली पुलिस मुर्दाबाद, बलात्कारी बचाने वाली पुलिस मुर्दाबाद, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, देखो जी पिछले दिनों च एक कांग्रेस का जिहड़ा यूथ का जिला प्रधान है वरुण जोशी, उन्हां वल्लों एक पीड़ित लड़की है जिहदे नाल रेप किया गया, उन्होंने ब्लैकमेल किया गया, उहदे तों पैसे ले गए ते उस तों बाद जदों वह लड़की थाने पहुँची तो पुलिस क्योंकि वह कांग्रेस का जिला प्रधान सी सरकार दे विच उहदा दबदबा सी, आ फोटो दस दियां कि उहदी किस तरह जिहड़ी आ कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब दे नाल फोटो है, दूसरा आ जिहड़े बाघा पुराणा दे एम एल ए आ उहनां दे नाल फोटो है, जिहदे करके सियासी दबदबा करके वह पीड़ित लड़की का वल्लों जिहड़े रिपोर्ट करवाई गई एफ आई आर दर्ज नहीं हुई, उहनूं मजबूरन कोर्ट जाना पिया। कोर्ट ने डायरैक्शनज कीतियां कि जिहड़ा दोषी है जिहड़ा वरुण जोशी उहदे ते जिहड़ी बनदी कार्रवाई की जाए, उहदे ते रेप का परचा दर्ज किया जाए। पर कोर्ट दियां डायरैक्शनज तो बावजूद सिर्फ 376 का जिहड़ा परचा वो दर्ज किया गया, उस तो अलावा जिहड़ा ना ब्लैकमेल का ना जिहड़े उसनूं डराउन धमकाउंदा सी ना वह धारा लाई गई, ना जिहड़े उस तो पैसे लैते वह धारा लाई गई। सो इहदा इक्को इक कारण है कि जिहड़े आ धारावां भी नहीं वधाईआं गईआं ते जिहड़ा उस दोषी नूं इन्ने दिन लंघ जाण दे बावजूद भी हजे तक जिहड़ा गिरफ्तार नहीं किया गया उहदा इक्को इक कारण है, जिहड़ियां फोटोआं दसदियां ने कि पहलां भी थाणियां दे विच एफ आई आर ना होण दा कारण कि हाई कोर्ट दियां डायरैक्शन तो बाद जिहड़ी एफ आई आर दर्ज होई पहला भी यही कारण सी कि उहदा सियासी दबदबा सी, उस बंदे दे एक एम एल ए दे नाल बड़ा नेड़ला रिश्ता, वह जगह जगह पर उहदियां फेसबुक पर फोटोआं पाईआं होईआं ने, कितें वह एम एल ए साहब का मूँह मिठा करवा रहे हैं, कितने उन्होंने बेटे नाल कितने बैठा लंच कर रहा, कितने बैठा लंगर छक रहा है, तो इतों तक कि मुख्यमंत्री दे निवास विखे भी जदों कहिंदे सी कि मुख्यमंत्री साहब जिहड़े एम एल ए तक नूं नहीं मिलते, जिहड़े मंत्रियों तक नूं नहीं मिलते, ये आदमी की जिला प्रधान की मुख्यमंत्री तक पहुँच है उन्होंने नाल भी जिहड़ियां फोटोआं ने। सो इस करके अज जिहड़ी आम आदमी पार्टी वो पीड़ित लड़की दे पहला भी नाल खड़ी सी, अज भी नाल खड़े हाँ, अज असी इस करके एस एस पी जिहड़े मोगा ने
उन्हां दा जसी घराओ कीता गा कि जिहड़ी पीड़ित लड़की है उन्हूं इंसाफ दिता जाए तो सानू दस्या जाए कि किन्ने दिनां दे अंदर अंदर जिहड़ियां धारावां वधा दित्तियां जाणगियां ते जिहड़ा दोषी है उन्हूं गिरफ्तार किया जाऊगा। इस तरह के आदेशों के कोर्ट ने परचा दर्ज किया जी की मेंशन है उहदे च यही मैनशन है जी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है वह कहते हैं कि जिहड़ा जदों कोई पीड़ित है कोई लड़की है वो बयान के आधार पर पुलिस उन्हूं इग्नोर नहीं कर सकती उन्हें रिजैक्ट नहीं कर सकती जो बयान वो देगी वो मुताबक पुलिस को कार्रवाई करनी पेगी। उस तो बाद इनक्वायरी का विषय कि भी भाई वो सच्चा झूठ है जो उस तो बाद कोर्ट देखूगी पुलिस ये कह के भी भाई असी थोड़े बयान के आधार पर परचा दर्ज नहीं कर सकते ये बिल्कुल पॉसीबल नहीं है। हुण परचा दर्ज हो गया इनक्वायरी चल रही है परचा दर्ज होया पर केवल 376 का होयागा उस तो बाद जिहड़ियां धारावां ने ब्लैकमेलिंग दी जिहड़ी उहनूं दवाया धमकाया गया जां पैसे ले गए वह कोई भी धारावां जिहड़ियां ऐड नहीं कीतियां गईयां इहदे तो साफ जिहड़ा सानूं जाहिर हो रहा है कि इहदे च पुलिस की मिली भुगत है क्योंकि अज जिहड़ी पुलिस है वह लोकां दी सेवक बन के वह कानून की राखा बन के काम नहीं कर रही वह कांग्रेस के हत्थां दे विच खेड रही है इत्थों तक कि जिहड़ियां अपॉइंटमेंट्स भी ने इत्थों ही क्लीयर हुंदा है कि एम पीआं दे भरा ने जिहड़े एस एस पी लगते ने अज जिहड़े मोगे दे एस एस पी ने वह जिहड़े एम पी ने डिंपा जी उन्हां दे सके भरा लगे हुए है जिहदे करके वह अज एक मैं समझदा कि कांग्रेस के वर्कर बन के काम कर रहे हैं जिहदे करके ही वह कांग्रेस का जिहड़ा जूदा जिला प्रधान है जिते नॉन अवेलेबल जिदे ते धारा लगी हुई है इसे करके जिहड़ा उन्हूं बचा कर रहे हैं उन्हूं अरैसट नहीं कर रहे। आम आदमी पार्टी के किन्ने एमएलए शामिल होए जी देखो मैं जी मेरे नाल एमएलए निहाल सिंह वाला मनजीत सिंह बिलासपुर जी मेरे नाल ने ते बाकी साडी सारी जिहड़े जिले की जथेबंदी हलका इंचार्ज बाघा पुराना अमृत जी संजीव कोछड़ जी साडे जिला प्रधान नसीब बावा जी साडे मोगे दे हलका इंचार्ज संघा साहब साडी जिहड़ा समुची लीडरशिप मोगे जिले जिहड़ी है इत्थे मौजूद है। एस एस पी साहब नाल कोई मुलाकात सर तुहाडी नहीं असीं तां फिलहाल जी देखो प्रोटेस्ट कर रहे हैं असीं मुलाकात करनी आए तीन दिन पहला साडी जिहड़ी जिले की लीडरशिप है इन्हां दी मुलाकात हुई सी उदन भी असीं मेमोरेंडम दिता सीगा भी भाई इन्हां ते बनदी कार्रवाई करो दोषियों नूं अरैसट करो उन्हां दीआं धारावां वधाओ पर वो धारावां वधाईआं नहीं गईआं जिहदे करके सानूं प्रोटेस्ट करना पिया। ये कोई नाले पहली बार नहीं मोगे च ये तीजा सख स्कैंडल है पहला 2003 च होया 7 च होया उन्हां ते भी टाइम सिर कार्रवाई नहीं की गई टाइम सिर दोषियों नूं सजावां नहीं दवाईआं गईआं क्योंकि वह भी जिहड़े बंदे सी वह पोलीटिकल बंदे सी इस करके अज जिहड़े नवे पोलीटिकल बंदे आ जिहड़े नवे कहूँगा कि पोलीटिकल गुंडे है उन्हां दी हिम्मत पै जांदी है कि इदां दे सख स्कैंडल करन जे एक बारी टाइम ते किसी पोलीटिकल बंदे ते कार्रवाई होवे उन्हूं सख्त सजावां मिल जाण तां किसी की जरूरत नहीं पैंदी जे अज तीजा मैं समझदा कि मोगे दे विच सख स्कैंडल होया तां पहले दो दी देना है।